में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर लेकर आए हैं एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा जो आप भी सोच रहे होंगे। हम बात करेंगे चुनावी विश्लेषक राजेश राठौर जी से और उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो टिकटों के वितरण में राजनेताओं के परिवार वालों के नाम सामने आ रहे हैं तो उस पर सर की क्या राय है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर जो राजनेताओं के परिवार वालों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो हमेशा नेताओं के रिश्तेदारों के नाम आते हैं और उनके रिश्तेदारों को टिकट मिलते भी है। ये बात लंबे समय से चल रही है और जब भी है चुनाव आता है इस पर बहस शुरू हो जाती है। हम अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं तो देखते हैं कि सारे ही दलों में ऐसा कोई भी दल हिंदुस्तान की धरती पर नहीं है या ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो अपने नेताओं को रिश्तेदारों को टिकट बांटने से रोक पाया हो। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा में राजनेताओं के परिवार से ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जिनके नाम टिकट के लिए सामने आ रहे हैं और उनको टिकट दिया जा सकता है? निश्चित तौर पे इस समय चूंकि भाजपा केंद्र की राजनीति में जो है सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र मंत्री सरकार भी है, ऐसे में उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगने की डिमांड ज़्यादा ही है। हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पहले हम बात करें तो आप देखिए कि मुरैना में जो है अनूप मिश्रा टिकट मांग रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार हैं। उसके बाद हम बात करें सागर लोकसभा सीट की तो वहाँ पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज सिंह टिकट मांगना चाहती हैं। उसके बाद में उसी सीट की हम यदि बात करते हैं तो सागर से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भी टिकट मांग रहे हैं। अभिषेक भार्गव के साथ तो इतनी बड़ी दिक्कत है, वो अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लग गए हैं या उनके पिता गोपाल भार्गव जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने बेटे में कुछ ऐसा करिश्मा देख रहे हैं कि वो न केवल सागर से बल्कि दमोह और खजुराहो लोकसभा से भी टिकट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभिषेक में वो सारे गुण हैं जो एक राजनेता में होना चाहिए और लंबे समय से वो लोगों के बीच काम कर रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता भी है, इसलिए उसको भले ही सागर से टिकट दें या दमोह या खजुराहो से, कहीं न कहीं से एक जगह से टिकट तो चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को टिकट दे दो। ये जो अपील है इस समय गोपाल भार्गव की वो सारे नेताओं के आसपास सुनाई देती है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता का बेटा टिकट पाने के लिए एक लोकसभा सीट से नहीं बल्कि तीन लोकसभा सीट से टिकट मांग रहा है। यदि हम बाकी नेताओं की बात करते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह की बेटी हिमाद्री सिंह जो है शहडोल लोकसभा से इस समय टिकट मांग रही हैं। उसके अलावा हम बात करें तो पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बालाघाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उसी तरह से विदिशा से एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम इस रूप में है क्योंकि 13 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और उनका ये दावा है कि मैं शिवराज सिंह की पत्नी होने के कारण टिकट नहीं मांग रही, मैं क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की डिमांड के कारण टिकट मांग रही हूं, पार्टी से आग्रह कर रही हूं यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हर राजनीतिक कार्यक्रम में, अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में अपनी पत्नी साधना सिंह को साथ में रखते थे। साधना सिंह के सत्ता में दखल को लेकर भी कई आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, कई बार साधना सिंह चर्चाओं में रही है, उसके अलग अलग कारण थे। इस तरह से बीजेपी में विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट बांटने की बात हमेशा आई है और निश्चित तौर पे कुछ नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिले भी है। ये तो थी भाजपा से जो उम्मीदवार उनके नाम सामने आ रहे हैं उनकी।
मैं ये जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, ऐसी हर फील्ड, मतलब जो पिता की फील्ड है या माँ बाप की जो फील्ड है, बच्चा उसी फील्ड में जाता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? तो टिकट उम्मीद मतलब उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया जा सकता? बड़ा अहम सवाल है ये आपका। ये बात सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, लेकिन इसके लिए परीक्षा पास करना होती है, पढ़ाई करना होती है, मेहनत करना होती है। हालांकि अब तो व्यापम जैसे घोटाले होने लग गए हैं तो नेताओं के बेटे बिना पढ़े लिखे भी जो है फर्जी डॉक्टर बन गए हैं, कहीं कुछ जेल की हवा भी खा चुके हैं। पर सवाल इस बात का है कि राजनीति में आने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नेता का बेटा पत्नी या रिश्तेदार होना जरूरी है। यही मुसीबत है जो आम जनता को परेशान करती है। इसके अलावा मैं आपको एक नुकसान और इसका बताता हूं कि नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने के कारण जो कार्यकर्ता बरसों से दरी बिछाने का काम करता है, पोस्टर चिपकाने का काम करता है, नारे लिखने का काम करता है, मतदाता पर्ची बांटता है, अपने काम धंधे छोड़कर नेताजी को चुनाव जिताने में लग जाता है, और जब उस आम कार्यकर्ता को टिकट देने की बात आती है तो नेता अपने रिश्तेदारों के टिकट के लिए पूरी जान लगा देते हैं, या यूं कहें कि हे भगवान दे दे भगवान दे दाता के नाम, इस तरह की अपील गिड़गिड़ाते हुए हमने अलग अलग समय नेताओं को देखा है, और वो कहते हैं कि हे प्रभु कुछ भी करो बस हमारे रिश्तेदार को टिकट दिला दो। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और हमने देखा भी है कि जो नेताओं के रिश्तेदार चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीत कर जब काम करने लगे हैं तो उनका व्यवहार बाकी नेताओं की तुलना में बहुत खराब रहता है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से किन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं जो नेताओं के रिश्तेदार? नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने के मामले में ऐसा नहीं है कि अकेली भाजपा ही गड़बड़ करती है, कांग्रेस में भी यही हालत है, समाजवादी पार्टी में भी यही हालत है, बसपा में भी यही है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी है, और सारे दलों में जी। अभी आप पार्टी जरूर अछूती बची है जिसका कोई रिश्तेदार दिल्ली की राजनीति में हमें नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके रिश्तेदारों की बात यदि हम मध्यप्रदेश की करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे बड़ा नाम नकुल नाथ का है। जी हाँ, ये वो नाम है जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। ये छिंदवाड़ा से लोकसभा टिकट मांग रहे हैं, बल्कि नेता तो ये कह रहे हैं कि उनका टिकट कन्फर्म हो चुका है। आखिर मुख्यमंत्री के बेटे का टिकट नहीं होगा तो फिर किसका होगा? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ लंबे समय बाद छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए वहां पर जो लोकसभा की सीट खाली हुई है वो जिस तरह से राजा महाराजा अपने सिंहासन पर अपने बेटे को बिठाते थे उसी तरह पर से कमलनाथ सिंहासन खाली करो कि नकुल नाथ आ रहे हैं, इस नारे के साथ आपको जो है दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। उसी तरह से हम बात करें तो मंत्री तुलसी राम सिलावट के बेटे नीतीश उज्जैन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश का भी दावा है कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है, अपने पिता के चुनाव में लगातार काम किया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसलिए उनका दावा बनता है। हम खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर दिवंगत नेता सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव एक बार फिर टिकट मांग रहे हैं, और इस समय अरुण यादव के भाई सचिन यादव मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। एक और चौंकाने वाला नाम महत्वपूर्ण है कांग्रेस की तरफ से, मंत्री बाला बच्चन की पत्नी प्रवीणा का, जो खरगोन लोकसभा सीट से दावेदारी कर रही हैं। बाला बच्चन का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी का नाम नहीं सुझाया, क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर दबाव बनाया, मैं जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं के भरोसे बरसों से विधानसभा में पहुंच रहा हूं उन कार्यकर्ताओं की बात को हाईकमान तक पहुँचाना मेरा दायित्व है, मैं अपनी पत्नी के टिकट के लिए नेताओं से कह चुका हूँ, अब यदि पार्टी टिकट देगी तो हम जरूर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा छतरपुर के नाती राजा की जो है पत्नी है कविता, वो लोकसभा सीट से
चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनका नाम भी इन दिनों काफी चर्चा में है। आमतौर पर ऐसा होता है कि कई नेता जो टिकट मांगते हैं जी। उनकी पत्नियां या तो सक्रिय होती है, कहीं ना कहीं आती जाती रहती है, या कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है, राजनीतिक रूप से नहीं तो सामाजिक रूप से सक्रिय होती है। लेकिन मध्यप्रदेश के एक मंत्री जीतू पटवारी की पत्नी, जो ये कहना चाहिए कि सामान्य परिवार से होकर घरेलू महिला है, रेणुका पटवारी के टिकट के लिए जीतू पटवारी इन दिनों दीवाने हैं। अब वो रात दिन इस काम में लगे हैं कि कैसे भी करके वो अपनी पत्नी को इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दें। दिल्ली भोपाल एक किए हुए हैं, नेताजी को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार घर से बाहर निकाला और कार्यक्रम कराना शुरू कर दिया, और तो और अपने क्षेत्र में उद्घाटन भूमि पूजन समारोह में भी सक्रिय कर दिया। अचानक इस सक्रियता से ही पता लग गया था कि मंत्री जीतू पटवारी अपनी पत्नी रेणुका को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, शायद उनके पास भी इंदौर लोकसभा से जीतने वाला कोई उम्मीदवार या लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। कार्यकर्ता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जीतू पटवारी की हार्दिक इच्छा है कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आ जाए। राजनीतिक दलों के नेता या राजनीतिक नेता, मतलब जो नेता हैं, उनके परिवार वालों को जो टिकट दिया जा रहा है, इसमें परिवारवाद की राजनीति, अभी काफी ये मुद्दा उठा हुआ है कि ये परिवारवाद की राजनीति खेली जा रही है, तो कांग्रेस की भी बात करें और भाजपा की भी बात करें, तो ये चीजें कहां से शुरू हुई हैं इन दोनों पार्टियों में या अन्य और भी जो पार्टियां हैं उनमें? ये बात बड़ी अच्छी पूछी आपने, क्योंकि ये सब जो चल रहा है ये आजादी के बाद से चल रहा है जी। ये आजकल के नेताओं का दोष इतना जरूर है कि वो अपने रिश्तेदारों के टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ये सब कहते हैं ना परिवार में कि बड़े बुजुर्ग सिखा के गए, बड़े बुजुर्ग इसी नसीहत देते थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। थोड़े दिन बाद 10-12 साल बाद हमें सुनने को मिलेगा कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका के बच्चे भी जो है कांग्रेस की राजनीति में आ गए। भाजपा में ये जो है लंबे समय बाद जो है देखने को मिला कि नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने की बात चली। कई बार भाजपा में ये सवाल उठा कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन अब तो सभी दूर परिवारवाद चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती का कोई परिवार में ऐसा है नहीं जिसको उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है कहा जाना चाहिए, जिसके परिवार के 18 लोग चुनाव लड़े। मुलायम सिंह परिवार के कुनबे के इतने सारे सदस्य चुनाव लड़ते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते चाचा भतीजे भी दुश्मन हो गए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक दूसरे को अब अपशब्द भी कहने लगे। ऐसा नहीं है कि ये पार्टियां ऐसा कर रही है, लालू यादव की भी हम बात करते हैं, लालू यादव की यहाँ भी पत्नी से लेकर बेटे से लेकर सब पूरा परिवार, बेटी भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल, उन पार्टियों में जो लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उनका कहना होता है कि हम कब तक कार्यकर्ता बने रहेंगे, हमारे लिए नेताजी टिकट क्यों नहीं मांगते, नेताजी को आखिर अपने रिश्तेदार ही क्यों नजर आते हैं, आखिर क्या कारण है कि नेताजी को पार्टी ने सब कुछ परिवार दे दिया लेकिन नेताजी फिर भी अपने कार्यकर्ता के लिए लड़े नहीं लड़ते, वो आखिर दिन कब आएगा, वो ऐसा समय कब आएगा जब नेता अपने रिश्तेदारों की बजाय कार्यकर्ताओं के टिकट के लिए लड़ेगा। आज हमने चुनावी समीक्षा में राजेश राठौर जी से इस बात पर चर्चा की कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके परिवार वालों को टिकट दिए जाते हैं और कार्यकर्ता हमेशा इससे अछूते रह जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए राजनेताओं द्वारा कब काम करा जाएगा। तो ऐसी ही राजनीतिक समीक्षा के लिए आप बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।